रही है। छोड़ दो। कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये मास्क किसने बनाया है? मैंने बनाया है। बहुत प्यारा बनाया है। आप लोग कितनी अच्छी पेंटिंग करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। हम तो इससे भी अच्छी पेंटिंग करते हैं। तो आपके मम्मी पापा आपकी बहुत तारीफ करते होंगे? नहीं, तारीफ तो क्या, वो तो पेंटिंग देखते भी नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, आप दोनों ना एक अच्छी सी प्यारी सी पेंटिंग बनाओ तो मैं आपको तोहफा दूंगी। सर, हमारी पेंटिंग हो गई। अच्छा, लाओ लाओ, दिखाओ दिखाओ जल्दी। ओहो हो, वाह भाई वाह, सो पेंटिंग बनाई छे यार। ओहो हो, क्या पेंटिंग बनाई है आप लोगों ने, वाह भाई वाह। चीपता रो, अब हमारा इनाम। ठीक है, मैं आप दोनों को चॉकलेट खिलाऊंगी, चलेगा? ये बहुत प्यार से बनाई थी हम लोगों ने। फाड़ना था तो बनवाया क्यों? हमें नहीं चाहिए ना, आपने बहुत गलत किया। अच्छा, और आप दोनों जो करते हो वो सही है क्या? मतलब दूसरों की प्यारी चीज तोड़ देते हो तो उन्हें कैसा लगता होगा? आपने कभी सोचा है कि उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी? जैसे पेंटिंग के फट जाने से उसे जोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही किसी भी चीज के टूट जाने से या खराब होने से उसे ठीक नहीं किया जा सकता। इंसान कोई भी चीज बहुत मेहनत से बनाता है, जैसे अभी अभी आप लोगों ने पेंटिंग बनाई थी। लेकिन पेंटिंग को फाड़ देने से या फिर किसी भी चीज को तोड़ देने से वो ठीक नहीं हो सकती, सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। बच्चों, आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। मम्मी डैडी, हमें हमारे शैतानों के लिए माफ कर देना। मम्मी पापा, अब से हम लोग तोड़फोड़ नहीं करेंगे और अच्छे बच्चों की तरह खेलेंगे। चलो चलो बच्चों, आप दोनों बाहर जाकर खेलो और सागर जी इन्हें चॉकलेट दे दीजिए। थैंक यू भैया। अरे वाह भाई, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? कुसुम मासी, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, बस थोड़ा सा विचार है, इसीलिए तो देखिए बच्चे कितने खुश और सुलझे हुए से लग रहे हैं। हाँ मई, पर तुमने ऐसा किया कैसे? कुछ खास नहीं, बस बच्चों को करीब से जानने के लिए उन्हें थोड़ा और समय दिया। और आपको पता है, ये बहुत ही आसान था। हम तो बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे, उनके साथ खूब धमाल मस्ती की, शैतानी की, प्यार दिया और सबसे बड़ी चीज, उन्हें अपने होने का एहसास दिया। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तो बस अब तो बच्चों को हॉस्टल बिल्कुल नहीं भेजना है। और आपको पता है कुसुम मासी, आपके बच्चे कितना अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप दोनों अपने काम में इतने व्यस्त थे कि बच्चों की खुशियां दिखाई नहीं दी आपको। सिर्फ स्कूल की फीस भर देने से या फिर बच्चों को खाना खिला देने से माँ बाप की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती, बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, जो आप दोनों के पास है नहीं। मैं चारू थायो, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। और मैं, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात हुई कि मेरे बच्चे हॉस्टल नहीं जाएंगे, वो मेरे पास रहेंगे। हाँ हाँ, बस अब आप दोनों जाइए और अपने बच्चों के साथ समय बिताइए ताकि वो दोनों खुश रहे। चलो बच्चों के साथ टाइम बिताए। थैंक यू मई। नमस्ते। क्या बात है मई, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, बच्चों ने धमाल कर दिया। मस्त है। लेकिन मई, तुम्हें कैसे पता कि बच्चों को पेंटिंग करना अच्छा लगता है? वो दरअसल हुआ यूं सासुमा,
कि उन्होंने जो जोकर का मास्क बनाया था ना, उसे देखने के बाद मुझे लगा कि उन दोनों में पेंटिंग का हुनर है, तो बस उसी बहाने मैंने उनसे पेंटिंग बनवाई। अब जो अभी अभी तिवारी अंकल लेकर गए, बस जैसे ही उनकी वो प्यारी सी पेंटिंग खत्म हो गई ना, तो उन्हीं के सामने मैंने उनकी पेंटिंग फाड़ दी। क्यों? ताकि उन्हें ये एहसास हो कि कोई भी चीज बनाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसे नष्ट करना बहुत आसान होता है। तो बस वो लोग मेरी बात समझ गए और नतीजा आपके सामने है। वाह मई, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। लेकिन रोहित, इसने तो पूरा दिमाग इस्तेमाल कर दिया, अब उसका दिमाग खाली हो गया सोनिया की तरह। पर मॉम, आपने तो कहा था कि सोनिया के पास दिमाग है ही नहीं, तो फिर खाली कैसे होगा? बस बनी, तुमने भी कमाल कर दिया।